बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ तूफान। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, एचओडी है बायो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मंजूर अहमद मीर साहब। पिछले कई दिनों से ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन किया है मंजूर मीर साहब ने। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। खासकर जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हमारे खवातीन में देखा जाता है, मर्दों में भी देखा जाता है, बहुत कम, और ज्यादा अगर हम देखेंगे तो ज्यादा ये खवातीन में ही देखा जाता है। तो मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इस वक्त। तो मंजूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, थोड़ा सा आप समझाइए हमारे नाजरीन को एक सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, ताकि हमारे जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं वो समझ सके कि ये क्या बीमारी है, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मौका देने के लिए। हम एक्चुअली जब जब देखते ही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना है ये मनाते हैं हम अक्टूबर में, तो इसीलिए अक्टूबर को पिक मंथ भी कहा जाता है। ये बिल्कुल एक्चुअली इन ऑर्डर टू प्रमोट मेमोग्राफी स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अमेरिका में 1985 में स्टार्ट हुआ था कि ये हर साल अक्टूबर का जो महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना मनाया जी जाएगा। आज हम देखते हैं, जब अगर हम कैंसर की बात करें तो 10 मिलियन लोग इससे मर रहे हैं जो इसमें अफेक्टेड हैं अभी। तो ब्रेस्ट कैंसर जब देखा जाए अमंग मेल्स एंड फीमेल्स, ये सबसे ज्यादा कैंसर, अब जो इंसिडेंस जो इसकी है जिससे लोग मुतासिर हो रही हैं, सबसे ज्यादा है फीमेल्स में। हालांकि बहुत जी सारे कैंसर हैं, फ्रॉम हेड टू टो एनीबडी कैन गेट इन्फेक्टेड विद एनी टाइप ऑफ कैंसर, तो लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इंसिडेंस और मोर्टेलिटी फीमेल्स में सबसे ज्यादा है ये। तो जी अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी 1 in 28 और 29 वुमेन इज इन्फेक्टेड, हैविंग द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम अपने वादी की बात करें तो इसी साल जो स्टैटिस्टिक्स आए हमारे फर्स्ट क्वार्टर के 2022 के शेर कश्मीर सेंटर फॉर कैंसर, तो वहां भी ये देखा गया कि देयर इज 20% इंक्रीज, 20% या 20% इंक्रीज हो गया ब्रेस्ट कैंसर, इसमें कैंसर केसेस में जो रिपोर्ट हुए, तो उसमें भी सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के ही केसेस हैं। तो हम एट डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी 2019 में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से रिसर्च का इनका आगाज किया, तो हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे ही काम कर रहे हैं। तो तब से आज तक हमने इस बारे में 2-5 किताबों का वो तहरीर भी किया हुआ है, अमेरिकन जो एल्सवेयर पब्लिशर्स हैं, स्प्रिंजर पब्लिशर्स हैं, 5 किताबें हम लिख चुके हैं इस मर्ज के बारे में, बहुत सारे मौजूदात उस उनमें हमने वो नोट किए हैं, कोट किए हैं। जी उसके बाद अगर हम देखें तो रिसर्च पेपर्स भी हमने 30-40 पब्लिश किए हैं इसी फील्ड में, तो और एक दो प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास हैं इसी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो अगर हम आज की डेट में, इस साल हमने सोचा कि लास्ट ईयर जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना जो हम मनाते हैं उसमें हमने लास्ट ईयर एक वेबिनार किया था जिसमें हमने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मदद किया था कि इसमें कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए इस बारे में। तो जी अब इस बार हमने ये सोचा कि नहीं, ऑनलाइन के बजाय, वेबिनार्स के बजाय हम सीधा ऑफलाइन जाए उन कॉलेज में जो भी हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो भी जी हमारी मस्तूरात हैं, हमारी बहनें हैं कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो वो एटलीस्ट एक एम्बेसडर्स बने हमारे लिए कि बाहर जाने के लिए जो सोसाइटी है वो अगर ये मैसेज उन तक पहुंच जाए, वो अपने घरों में ले जाए, अपनी सोसाइटी में ले जाए, तो कम से कम एक बेदारी हो लोगों में कि ऐसी कोई बीमारी है और उस बीमारी से बचा जा सकता है। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि साइंस इतनी एडवांस हो गई है, फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, डायग्नोस्टिक ऑप्शंस हैं। हम इसको अगर अर्ली स्टेज पे कंट्रोल डिटेक्ट कर सकें तो हम इसको आसानी से, इस बीमारी से बचा जा सकता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान इसमें मुबतला हो भी गया तो ऐसे भी नहीं है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा तो वो बिल्कुल सेहतियाब हो सकते हैं इस बीमारी से।
तो मधुर साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपने इस पर बहुत काम किया है और अभी आप अवेयरनेस कैंप्स लगातार कर रहे हैं। आपसे आसान लैंग्वेज में समझना चाहेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स है, किस तरीके से हमारे जो लोग हैं या हमारे जो खवातीन हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हम इस बीमारी के शिकार हो गए हैं या हमें आप ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, तो जो भी ये अल्लाह ताला ने इस ऑर्गन से नवाजा है हमारी बहनों को, हमारी माओं को, ये एक अल्लाह की एक खूबसूरत, जब हम देखेंगे कि इस ऑर्गन की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब भी एक इंसान की नशोनुमा होती है और वो माँ के पेट से बाहर आता है, तो पहली चीज जो इसी ऑर्गन से अपनी गुजाइयत का वो जो सब कुछ वहां से ले पाता है। ये बहुत प्रोन इन्फेक्शन में भी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अगर एक इंसान को ये पता करना है कि मैं इसमें मुबतला हो गया हूँ कि नहीं, सबसे बड़ी चीज जो है सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप से ही एक माँ या बहन इसको देखे कि मेरे इस ऑर्गन में कोई ये लंप तो नहीं बना है, कोई पस तो नहीं बाहर आ रहा है। यानी अगर लंप फॉर्मेशन हुई है तो वो उसको ख्याल करना चाहिए एक हेल्थ प्रैक्टिशनर को जाने के लिए कि जी मेरे इस ऑर्गन में लंप बना है या कोई पस आउट हो रहा है। पस उसमें ब्लडी भी हो सकता है, ब्लड के बगैर भी हो सकता है, या इसमें कुछ जी कलर में चेंज आ गया है, कुछ शेप में चेंज आ गई है, कुछ डिम्पल इन हो गया है, पिंपल टाइप से निकले हुए हैं, या इन्फ्लेमेशन हुआ है, या कुछ एलर्जी सी टाइप लग रही है। तो इन इन सबों में, मतलब ये सब इस बीमारी के साइंस और सिम्टम्स हैं। तो अगर इनमें से कोई एक भी, लेकिन सबसे जो बड़ी सिम्टम है इसकी, वो है लंप बनना। छोटा सा वो एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा संतरे के जैसा भी हो सकता है आपके इस ऑर्गन में। तो अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें और अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट करें, तो इस मर्ज से हम आसानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आखिर पर मंजूर साहब, आपसे एक मैसेज जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि एक आखिरी मैसेज लेना चाहेंगे जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें मेडिकल या प्रैक्टिशनर से रابطہ करना है, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और जी हम कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं, कुछ इसमें वेबसाइट भी एक हम बना रहे हैं आम लोगों के लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि इस मर्ज से बचा जा सकता है। उसमें हम जी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस मंथ के लास्ट पे 31 अक्टूबर को हम वो रिलीज भी कर रहे हैं, एक जी बड़ा फंक्शन भी होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में उस बारे में। जी तो मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पहले देखा जाता था कि जो 50 साल से 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ही ये हो सकता है, लेकिन अब तो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कि ये 30 साल, 20 साल, 40 साल की फीमेल्स में किसी या भी एज पशु ग्रुप में प्राणी हो में, सकता है। इस एज ग्रुप में भी हो सकता है, बल्कि ज्यादा ही है उनमें एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज। तो इसमें जी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपके कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। वैसे तो अगर हम कैंसर देखें तो ये हर किसी में पाया जाता है, क्योंकि हमारे जी पास दो जीन्स हैं, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स एंड प्रोटो ऑन्को जीन्स। किसी में भी म्यूटेशन हो के हम किसी भी, कोई भी इंसान वल्नरेबल है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस हैं, अगर BRCA1, BRCA2 जीन में पॉजिटिव म्यूटेशन है, तो उस इंसान को ज्यादा चांस है ये कैंसर होने के। या अगर हम देखें कोई ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी जो लोग उसमें मुबतला है, ओबेस ओबेस हो रहे हैं, या मोटापा उनमें है, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। या जी अभी हम देखें कि कुछ कम्युनिटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, अश्कनाई ज्यूज हैं, या कुछ गोत्राज में जो अपनी फैमिली से बाहर मैरिज नहीं करते, तो एक वो ज्यादा वल्नरेबल है। अगर हम उसके बाद देखें तो जो हार्मोनल थेरापीज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ले रही हैं, तो वो भी वल्नरेबल है। या अगर किसी फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में से, ग्रैंड पेरेंट्स में से उनमें किसी को ऐसी बीमारी है, तो आप ज्यादा वल्नरेबल है। तो कुछ ये, या अगर आप देखें कि आज की डेट में हम स्पूरियस ड्रग्स का यूज करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स नहीं होता है, या कुछ अल्कोहल यूजर्स हैं, या स्मोकिंग है, या फिर देखते हैं हम कि जो अडल्टर्ड फूड्स भी हम यूज करते हैं, हमें पता नहीं है कि जो हम गुजा ले रहे हैं उसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं और बाकी
जो उसमें खराबियां मौजूद हैं, तो वो भी हमें पता नहीं, वो भी एक वजूहत हो सकती है। तो उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल इनएक्टिविटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि अब आज देखिए हम स्मार्ट गैजेट हाथ में लेके घंटों बैठे रहते हैं, तो फिजिकल इनएक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स दिस। ये हम नहीं, ये सारे एक्सपर्ट्स का ऑलमोस्ट यही कहना है कि ये जो वजूहत हमने बोली, ये मेन रीजन है कि ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है लोगों में आजकल। तो हमें इस बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है, ऐसी कोई बीमारी है, क्योंकि आप जब देखेंगे दूर दराज इलाकों में, इवन एजुकेटेड क्लास जो सिटीज जी में भी है या टाउन्स में भी है, उनको भी अच्छी खासी एजुकेशन नहीं है इस बारे में। तो पहली चीज ये है कि अवेयरनेस लोगों में, बेदारी लाई जा सके कि हाँ ऐसा कोई मरज है और जो ऑन द राइज है, इससे पहले कि वो हम सबको इसमें इनगल्फ करें या ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो सकें, तो हमें कोशिश करनी है कि कीमती जाने बचाने के लिए, ताकि अगर एक सोसाइटी में मैसेज चला जाए कि एजुकेट किया जाए लोगों को, अवेयरनेस दी जाए, एटलीस्ट ये मर्ज है, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। फिर आजकल एडवांसमेंट्स हैं, अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट होता है तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है और ये ट्रीटेबल है, तो इसके लिए उतनी परेशानी की जरूरत नहीं है और लोगों को यहाँ कश्मीर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है इलाज के लिए। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट होता है, क्योंकि हमारे पास शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जीएमसी है और बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स भी है अब जहाँ इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक्स होता है, तो लेकिन अगर अर्ली स्टेज में जितना आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे तो उतना सबसे बेहतर है, उतना ही आपको ट्रीट कर पाएंगे उसको, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है अगर ये अर्ली स्टेज में, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में, जितना पहले ही अगर अर्ली पता स्टेज चले तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर हम थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में एक पेशेंट डिटेक्ट होता है लेट स्टेज में, तो वहां पे फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। यू कैन ओनली इंक्रीज द सर्वाइवरशिप, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हो कंटिन्यूअस मेडिसिन मेडिकेशन के थ्रू, लेकिन इसको कंट्रोल और खत्म नहीं कर सकते आप। बहुत तो शुक्रिया। हमारी ये थे मिशन मेरे ये है, जो भी साथ स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जी स्टेक होल्डर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, हायर सेकेंडरीज हैं, खासकर वुमेन हायर सेकेंडरीज और वुमेन हाई स्कूल, जो भी कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक पहल करनी चाहिए, और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को भी, कि इस मर्ज के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं ये कोई मर्ज है और इसको, इससे हमें, हम बचा सकते हैं, क्योंकि इस मर्ज के साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच है, इसके साथ बिल्कुल एक फियर है, इसके साथ एक डर सा है, तो वो डरने बिल्कुल की जरूरत नहीं है। अगर हम अर्ली स्टेजेस में इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम अगर डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इससे बिल्कुल सेहतियाब हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मंजूर अहमद मीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी और आसान भाषा में उन्होंने समझाया कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। और अवेयरनेस कैंप तो लगातार जारी है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमने भी सोचा कि आज मंजूर साहब को दावत दें और आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन शुक्रिया, करने के बहुत लिए, बहुत और शुक्रिया। और आपकी जरूर वसादत से एक बार मैं चाहूंगा कि जो बाकी प्राइवेट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी जी इस बारे में आगे आना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन जहां से भी मिले, जरूरी नहीं है जी कि हम जिस प्लेटफॉर्म से भी उनको इस मर्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें जितने ज्यादा लोग अवेयरनेस के बारे में पैगाम दें, तो उतना ज्यादा सोसाइटी तक मैसेज पहुंचेगी, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल तो सबके तरह से हम एक दूसरे के साथ हाथ मंजूर मिला साहब के का हम ये इसको कहना है कंट्रोल कि कर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, या हम टेलीविजन चैनल्स की बात करें, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए हमने भी सोचा कि मंजूर साहब ऑलरेडी अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग जगहों पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों तक बेदारी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमने भी ये मुनासिब जाना कि मंजूर साहब से थोड़ा सा आज इस टॉपिक पर बात की जाए। तो हमने भी कोशिश की कि आसान लैंग्वेज में आपको समझाए कि ये किस तरीके का मर्ज है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो उम्मीद यही करेंगे कि मंजूर साहब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी या अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी तो मंजूर साहब हमें अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मंजूर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तमाम नाजरीन का हम इस वक्त शुक्रिया अदा करते हैं, जितने भी लोगों ने हमारे साथ इस लाइव सेशन में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन स्टूडियो से।
थैंक यू।